सिद्धपीठ सालासर धाम में श्रावण मास के पहले सोमवार को कस्बे के विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली। श्रावण मास में सोमवार को भगवान शंकर की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। लोगों ने दूध, बिल्व पत्र, आग आदि चढ़ाकर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की तथा मनोतियां मांगी। वहीं कई श्रद्धालुओं ने आज उपवास रखकर भगवान शिव को रिझाने का प्रयास किया। रात्रि के समय शिवालयों की भक्तों के द्वारा विशेष सजावट कर सामूहिक पूजा अर्चना भी की जाएगी। वहीं कई शिवालयों में रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया गया। कई शिव भक्त कावड़ लेकर शिवालयों में पहुंचे तथा भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। कावड़ियों का जगह जगह पर स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर पंडित राम अवतार शर्मा के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण से विशेष पूजा अर्चना करवाई गई। अभिषेक बालाजी मंदिर के अंदर बालाजी मंदिर की तरफ से ही करीब 90 वर्ष से हो रहा है। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो करते थे, अभी अवसर हमें मिल रहा है। 5 पंडितों के द्वारा रोज अभिषेक होता है, 1 महीने तक पूजा होती है। देश की खुशहाली के लिए ये किया जाता है। भगवान शंकर से आराधना करते हैं कि जो प्रदेश में अराजकता की माहौल बना हुआ है वो माहौल ख़त्म हो और सब सुखी रहे, परस्पर खूब प्रेम भाव से रहे। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी भाव के साथ सबका भला हो, धर्म की रक्षा हो, विश्व का कल्याण हो, यही कामना करते हुए भगवान शंकर से 1 महीना आराधना करते हैं। जय श्री बालाजी। बालाजी की जय श्री महाकाल। हर साल की बात ही महादेव के गन्ने का जूस से, शहद से, घी से, दूध से, पंचामृत से अभिषेक होता है और सभी की मनोकामना पूरी हो जो भी है उसमें भी पूजा का भाग भगवान के यहाँ पे, उनको पूजा का भाग यहाँ पे मिलता है। भगवान सबकी कामना पूरी करे, सुख शांति रखे। जय श्री बालाजी की जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।